दूर मत जाइयो भाई, निकलो नहीं यहां साइड वाला आवा दा ओए करण तुझे मोटी बोल रही है। अरे हम लोग भी हैं। हां मैं तो उनको मैं तो नहीं वो सही है मोटी नहीं है वो मैं खुलाता हूं जल्दी ता तो खुला दे तुम इतना जल्दी ही आए हो तो मैं सोफर चेयर से रखवा लेता हूं। ओए चलो ओए विवेक मेरे साथ आ जा प्लीज। हां वो अंदर से सोफे वगैरह टेबल वगैरह हां चल। थैंक यू ब्रो। फाइनली वी आर हियर टू सेलिब्रेट फ्रेशर्स डे इन डाइट कुरुक्षेत्र। सो अभी बस तैयारी चल रहा है, सजाने का प्रक्रिया चल रहा है। जैसे हमारी क्लास के सारे बच्चे लगे हुए हैं बीएससी बीएड के और सजाना स्टार्ट कर चुके हैं। ये विवेक बाबू है, ये कौशल, दिस इज कौशल एंड दिस इज और ये करण सस्ता ब्लॉगर एंड दिस इज ये सस्ता ब्लॉगर। सो पूरी वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को, बस स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। पूरी वीडियो इस साले ने कुछ काम नहीं किया है, ये सिर्फ यहाँ टाइम पास करने आया है और ये पार्ट कट हो जाएगा, ये पार्ट कट हो जाएगा आगे का, कोई कट नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब मत, ठीक है? तो बने रहिएगा अंत तक, दिखाते हैं पूरा वीडियो। करण हाँ भाई, आज पागल इंसान ये देखो आते हैं जब पागल कह दिया इंसान का नहीं कह जा लाइन पे जा, अच्छे से लगा दे। बीस नंबर सारी यस ब्रो। एक अच्छी ग्रुप फोटो के लिए अच्छे से खड़े हो जाओ। हाँ पीछे ही है भाई, आगे वाला ना बैठ जाओ। अरे आगे क्यों हंसो अच्छे से, तुम लोग पीछे जाओ ना, मुक्का मार के। ओ बॉयज हंस लो पीछे, कॉलेज के ही हो, कॉमर्स वाले लग रहे हो तुम। हाँ चल कोई नहीं, कुछ भी तो है। आ जाओ ए वीडियोग्राफर है। हेलो 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 एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, प्लीज वेलकम आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम। बस बिच खोली है।
गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस गेट टुगेदर वेलकम पार्टी। वैसे मैं डांस तो नहीं करने आया हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट और डांस और ये सब हमारे इस प्रोग्राम का ही पार्ट है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले अपनी को होस्ट अनुष्का को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनुष्का। एक तेरा रंग सांवला हुआ बावला लड़की लिया तो है गरम मामला बोल। मैं हूँ आपके दोस्त राज की होस्ट अनुष्का पंचाल। ये अनुष्का आज तो बड़ा ट्रेडिशनल ड्रेसअप होके प्रिपेयर होके आज कैसे? बस यूं ही अच्छा लग रहा था। बड़ी अच्छी बात है। इसी बात पे एक शायरी हो जाए। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता। है जो पास उसे संभाल के रखना, है जो पास उसे संभाल के रखना, खोया हुआ प्यार फिर कहीं दोबारा नहीं मिलता। क्या बात है। आंखों में खुशी लगारी अतिथि महोदया मिसेस नमिता कौशिक मैम से आग्रह करती हूँ कि वे स्टेज पर आए और सरस्वती माता की प्रतिमा पर दिया प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सुमन मैम, मना तो रहे हैं। With this lighting lamp, we like to thank the goddess of knowledge for brightening us. गौर करिए, इंट्रो और रैगिंग का रिवाज नहीं होता, इंट्रो और रैगिंग का रिवाज नहीं होता, कैंटीन और कॉरिडोर में इंतजार नहीं होता, रह जाते हमारे प्रैक्टिकल भी अधूरे अधूरे अगर जूनियर और सीनियर में यूं प्यार नहीं होता। और इसी प्यार को बरकरार रखते हुए मैं आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में। और शुरुआत करते हैं एक प्रस्तुति के साथ। करण, तुम्हें पता है कौन आने वाला है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो फिर चलो करण, तुम्हें और आप सभी को ले चलती हूँ सुरों के सागर में। कपिल है जहाँ की हवाएं भी बहता है संगीत, उसी सुरों में सागर में हम मिलके गोते लगाते हैं और बुलाते हैं हमारी इंस्टीट्यूट की लता मंगेशकर को। आप पहचान सकते हो कौन? दिशा वैष्णवी। दिशा कौन है? अरे आप सब थोड़ा पहचान नहीं पाए। अरे यार गाइस, नन अदर देन हमारी प्यारी आप सभी की चहेती दामिनी को। बिग राउंड ऑफ क्लैप फॉर दामिनी। शंकर कहाँ है बे? हेलो मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, तारा
उलझे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई तो हटो हना लागे किस तरह गिरहाय सुलझे तू होगा जरा पागल तूने मुझको है छूना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है छूना तू दिन सहे मैं रात आना दोनों मिल जाए शामों की तरह ये मोहन के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई तो हटो हना लागे किस तरह गिरहाये सुलझे कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं ए तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं तेज है धारा बहते से हम नावरा आत्म के सांसें ले आहा ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा आवाज का था और छुरी सभी के दिलों पर चल गई ये कसूर आपकी आवाज का था और छुरी सभी के दिलों पर चल गई आपके परफॉर्मेंस को आपकी परफॉर्मेंस से तो अच्छे अच्छों की तबीयत बदल गई द जर्नी ऑफ अ थाउजेंड माइल्स बिगिन विद वन स्टेप एज यू आर रेडी टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ हु बेटर टू गाइड यू देन अवर डियर प्रिंसिपल मैम नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम टू कम ऑन स्टेज एंड गाइड अवर A big round of applause for our principal, ma'am. Thank you, Chopal. All my worthy colleagues, प्यारे बच्चों, सभी को सबसे पहले मैं बहुत ही दिल से सभी को एक तरह से कहना चाहूंगी कि आज का ये दिन आप लोगों के लिए और हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन है क्यों क्योंकि इसकी एक मजबूत कड़ी बनने वाली है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और सारे फैकल्टी मेंबर्स की तो आप सबका यहाँ पर स्वागत और इस प्रांगण में हम सब मिलकर आज का दिन जो सेलिब्रेट करने वाले हैं मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ये दिन बहुत खुशियां लाए और इससे आगे आने वाले भी सारे दिन खुशियों से भरे हों क्योंकि ये बात सच है कि जिंदगी में हमारे सामने हमेशा चैलेंजेस होते हैं कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमारे सामने कोई चैलेंजेस ना हो लेकिन क्या है कि आने वाला कल पल जाने वाला है तो क्या है कि उस पल को ही हमें सबसे ज्यादा महत्व देना है यानी अभी प्रेजेंट को जो ये समय है हमें इसे पूरा एंजॉय करना है और हमेशा प्रेजेंट में रहकर अपने आप को बेस्ट साबित करना है देखो लाइफ में कभी अप एंड डाउन चलेगा आप लोगों के एम्स कभी आपको फुलफिल हो जाएंगे कभी नहीं होंगे लेकिन जो दिन आपके पास है वो दिन बहुत होता है कुछ करने के लिए तो कभी भी ये मत समझना कि नेक्स्ट डे नहीं होगा आज ये दिन है आपका एंजॉय करने का पूरा एंजॉय कीजिए और आपस में एक दूसरे के साथ आप लोगों का जो अब एक इंट्रो होने वाला है मुझे आशा है कि आगे जाकर ये एक मजबूत कड़ी का रूप लेगा और हम सब एक बहुत ही बेहतर इंस्टीट्यूट को यहाँ पर सामने सबके लेकर आएंगे और हर बच्चा अपने अपनी प्रतिभा में इतना सामने लेकर आएगा अपनी प्रतिभा को और उसको इतना ऊंचा उठाएगा कि सब और सियास्ते का नाम सियास्ते कुरुक्षेत्र का नाम रोशन होगा तो मुझे ऐसा ही
आप लोगों की आशा है और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए आशीर्वाद मांगती हूँ और देती हूँ। तो सभी बच्चों आज आप एंजॉय कीजिए खूब, और लेकिन एक सुनहरे आगे फ्यूचर के लिए सभी एक तरफ होकर ये बात सोचेंगे कि हमें एक रहना है, मिलजुल के काम करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर दोज वर्ड्स ऑफ विजडम एंड एनकरेजमेंट। कपिल अब क्या होने वाला है, मुझे तो सब्र नहीं हो रहा यार। तो अब हम अगले परफॉर्मेंस पे चलते हैं। आज का दिन फिर नहीं होगा, ये पल ये क्षण फिर नहीं होगा, फ्रेशर पार्टियां तो बहुत होंगी दोस्तों, ऐसा आलम ये फिर नहीं होगा। इसी आलम को बरकरार रखते हुए अब मैं मंच पर तमन्ना बी ए बी एड की स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ तमन्ना का मंच पर स्वागत करें। ये दूर हो जा रहा है क्या ज्यादा? अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाएं, अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां जरूर बजाएं। देख रहे हो ना दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है अभी। मन मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए, इस शानदार की सुबह में थोड़ा शोर होना चाहिए। दिखाने को तो पूरा दिन डांस दिखा देंगे हम आपको, मगर आपके तालियों में भी तो थोड़ा शोर होना चाहिए। ताली बजाओ और इसी जोरों शोरों के साथ मैं एक और प्रस्तुति आपके समक्ष लेके आना चाहूंगी, और मैं बुलाना चाहूंगी निकिता बीए बीएड की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कि वो आए और डांस से स्टेज पे चार चांद लगा दे। देखिए
कोई नहीं, उस चेक को दस अंजलि गंगवार करेगी। कल प्रवीण सर कह रहे थे कि चाय का भी बंदोबस्त है क्या? अच्छा चाय का तो पता नहीं, लेकिन आपके आपके इस बात से मुझे एक शेर जरूर याद आ रहा है। हिंदुस्तानियों का नशा चाय की प्यालियों में होता है, हिंदुस्तानियों का नशा चाय की प्यालियों में होता है, लेकिन एक कलाकार का नशा तो सिर्फ तालियों में होता है। तो जोरदार तालियां बजा दे निकिता के लिए। गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, अगर कुछ पास रह जाएगा जो बरसों बाद भी याद रह जाएगा, तो वो होगा इस हसीन दिन का कोई रोशन सा लम्हा। इसी लम्हे को यादगार बनाते हुए मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा हमारे इंस्टीट्यूट की सुनिधि चौहान उर्फ ईशा को। तो जोरदार तालियों के बीच ईशा का मंच पे स्वागत करें। जोरदार हूटिंग हो जाए। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे।
जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जान जा। बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू। बहुत थोड़ी सी जान लाते हैं और कुछ बातें करते हैं। मैं आपसे कुछ पहेलियां पूछूंगी या फिर भूजो तो जाने, जानते हो सब, तो मैं यहाँ से सवाल पूछूंगी, आपको उसको उत्तर देना है, और वो कोई भी दे सकता है, टीचर्स भी, जूनियर्स भी, सीनियर्स भी। तो सब तैयार है? ऐसी चीज जिसका नाम लेते ही वो गायब हो जाती है। ऐसी चीज जिसका नाम लेते ही वो गायब हो जाती है। कौन कह रहा है साइलेंस? खड़े होके बोलो साइलेंस। जिसको पता है वो खड़े होके बोलो साइलेंस। सही बोल रहे हो, खड़े तो हो। साइलेंस। तुम बोली थी अंजलि। ऐसी कौन सी जिसको आता हो सवाल का जवाब, वो खड़े होइएगा जी दीजिएगा, ताकि हमें और सबको पता चले कि कौन है इतना होनहार और इंटेलिजेंट। ये तो सारा क्रेडिट नहीं गैंगवा ले जाएगी सारा। ऐसी कौन सी जगह है जहां हम जाते तो अंग्रेजी में पर आते हिंदी में? एक मिनट, ये चांस देते हैं टीचर्स को। जयदेव सर बताइए। किशन सर, जहां जाते अंग्रेजी में है पर आते हिंदी में। मेरी बात पीछे तक जा रही है? नहीं आ रही। ऐसी कौन सी चीज जहां हम जाते अंग्रेजी में पर आते हिंदी में? सुमन मैम, ऐसे ही लगता है हमें आप जो सवाल पूछते हो। प्रिंसिपल मैम बताइए। चलो हिंट देती हूँ, ये गूगल करने वाले खड़े हो जाओ। बहुत शानदार ताली हो गए। अच्छा एक बहुत कॉमन, अगर जिसमें थोड़ा सा दिमाग होगा तो वो जवाब दे देगा। ऐसी कौन सी चीज जिसे आप खरीदते तो ब्लैक है, मतलब खरीदते काला है, उसे यूज करते हैं तो वो रेड होती है, और जब उसको फेंक देते हैं तो वो व्हाइट होती है। ये अच्छा एक और लास्ट, फिर दोबारा करेंगे प्यारा सा। एक लाठी की सुनो कहानी, भरा उसमें मीठा पानी। तुमसे अच्छे तो ये वाली ऑडियंस है। जोरदार तालियों के लिए। होठों पे दोस्ती के फसाने नहीं आते, साहिल पर समुंदर के खजाने नहीं आते। खुल के मस्ती कर लो यारो इन कॉलेज के दिनों में, फिर लौट कर कॉलेज के जमाने नहीं आते। और पूछ लो इन टीचर से, कॉलेज के जमाने वास्तव में नहीं आते। तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से अक्षिता का। ले लो सारे को लेना कंपलसरी। विवेक कोल्ड ड्रिंक है ना?
शाहरुख खान कौन है सर? हम ये मोचे शाहरुख खान के नहीं है। सर तो उधर देख रहे हैं वीडियो में। चाहूंगी राशि और मेघा को कि वो खुद आए और आपको बताए कि आगे होने वाला है क्या। राशि और मेघा हां जी राम राम सारे ने किसे हो तो आज मैं मेघा और मेरी दोस्त राशि आप सबके खातिर लेके आए हैं एक बहुत फनी गेम और इस गेम के सिर्फ तीन रूल हैं या गेम खेलनी है या गेम खेलनी है और यह गेम खेलनी ही खेलनी है। राजी सारे राजी ठीक है भाई एक मिनट ये जूनियर से तो सीनियर की आवाज आ रही है भाई जूनियर कहाँ है जूनियर हाथ तो खड़े करो कहाँ है जूनियर्स की कंडीशन और उनकी हालत मैं समझाऊं बजाओ भाई के बाद टाइम है समझो इशारा समझो सीनियर जूनियर्स की हालत का इशारा समझो किसका दिल थक करने लगा किसका दिल थक थक कर रहा है हाथ उठाओ दिल थक थक किसका कर रहा है अच्छा चलो बस बहुत हो गया भाई बहुत तड़पा लिया जूनियर्स को अब चलो शुरू करते हैं करें अभी मेरी दोस्त राशि आपको समझाएगी कि हमारा गेम क्या है सारे कान लगा एकदम इधर ही सुनोगे कोई किधर और नहीं देखेगा ठीक है चलो
तो गेम ऐसी है कि हमारे पास दो बाउल्स हैं, एक बाउल में नंबर्स लिखे हैं और एक बाउल में टास्क लिखे हैं। पहले हम एक बाउल में से नंबर्स निकलवाएंगे अभी मैम से, मैम नंबर निकालेंगे, उसके बाद जो बच्चा आएगा उसको यहाँ से एक टास्क चूज करना होगा और उसको वो टास्क परफॉर्म करना ही पड़ेगा। जिसका नंबर आएगा वो टास्क परफॉर्म करेंगे। नंबर प्यारो सारे समझ गए, तो चलो जी शुभारंभ करते हैं प्रिंसिपल मैम के हाथों से। तालियां मचा दो भाई। भाई देखो जूनियर्स की जान मेरे हाथ में है, अब देखो किसको क्या चाहिए। सारे आंखें बंद कर लो, जिसको प्रभु को याद करना है वो याद कर लो। सारे सारे खोल दो फिर। अरे वाह, नंबर कितने हैं? देखो देखो अपने अपने टैग दिखाओ भाई। नंबर 10 उठ जाओ फटाफट, आ जा नंबर 10। कौन है? जल्दी जल्दी कोई छुपेगा नहीं। नंबर 10 और प्राइस की जगह हमें ये भी है, प्राइस भी मिलेगा सबको और पनिशमेंट भी है। जो गेम नहीं खेलेगा उसको यहाँ सबकी साफ सफाई वही करेगा, ठीक है? सारी सफाई कौन करेगा जो गेम्स नहीं खेलेगा? नंबर 10 आ जाओ। अपने आसपास के लोग को देखो, कौन है नंबर 10? निकालो भाई, निकालो बाहर, निकालो नंबर 10 को। तू ऋषि का भाई है ना, जा ओए उधर है। कौन है नंबर 10? वो रहा, खड़ा करो नंबर 10, खड़ा करो। ओए एक कई लक अच्छा हो सकता है, सबका नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, उसे बाद में करेंगे हम। हाँ उसे अच्छा टास्क देंगे। 39 वो भी मेरे को लग रहा लड़का ही है कोई। नहीं है कोई, पाँच आ जाओ, पाँच तालियां बजा दो इसके लिए। आ जाओ आ जाओ, ओए साहिल सुन क्या बोल रहा है। अच्छा एक इंफॉर्मेशन है, हमारा कैमरा किस साइड घुमा रखा है, पीछे घुमा रखा है। सारे साइड कैमरा लेंगे ना, वहीं से 10 नंबर आया तो मेरे को भेज दी सारे वीडियो, सारे वीडियो भेज दी। पिकअप एनीशिएट, ओए बजाते रहो, बैठ जा, छोड़ दे छोड़ दे, बैठ जा। हेलो दिल हेलो कौन देना चाहेगा इसका आंसर? इसका आंसर है एग। एग खाने से पहले तोड़ते हैं ना, कितना आसान था भाई। रोटी भी तोड़ते हैं। चलो चलो करो है ना, रोटी नहीं आपका नहीं होगा, डरो मत। नहीं कहीं से नहीं आ, पापड़ भी तोड़ते हैं। 17 तो इतने आंसर थे, कोई सा दिया नहीं। ये 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 कौन? आ जाओ आ जाओ, अरे वाह तालियां बजाओ भाई। ये बात, ये आईना लड़की है, डरती नहीं है मेरे को लगता है जूनियर्स में से। चलो भाई चूज करो।
जाके पकड़ देना, मैं हेल्प कर देगा तेरी वीडियो। अरे वाह, लड़की की ताकत देखनी पड़ेगी कितनी है। अब कहते हैं ना, ज्यादा सर भी हमें बोलते हैं कि भाई तुम बच्चों बहुत कमजोर हो। चलो इसको देखते हैं क्या है। स्किपिंग करनी है आपको, स्किपिंग करनी है जैसी हालत में हो सेम वैसे ही। अच्छा बताओ कितने कराए इससे? 100। नहीं नहीं ज्यादा हो जाएगा। 20 कराओ, 20 बिना रुके। अगर 20 कर दी तो तेरे को चॉकलेट मिलेगी, अगर ज्यादा कर दी तो तेरे को तो दूंगी। चलो चलो, 1 2 गिनेंगे, सब गिनेंगे कि कितना कर रही है। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो हेलो, शाबाश। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लड़की का इनाम आ जाए। मारी चोरी चोरों से लगे बनती है भाई, बनती है चॉकलेट बनती है। तालियां बजाओ, तालियां को तो बुलाओ। थैंक यू। राशि पर्ची के नीचे, पर्ची नीचे की 11 नंबर 11 सच बताऊं तो मुझे इसी का इंतजार था सच्ची में। मुझे दे, मुझे इसने मेरे कान खा लिए। पूछ पूछ के दीदी क्या करोगे क्या करोगे, अब इसको बता ही देते हैं क्या करेंगे। चलो भाई चलो। हाँ वैसे बट कोई बात। अच्छा ले, इसके पास आया है एक्ट आउट अ सीन फ्रॉम अ मूवी योर फॉर ऑफ योर चॉइस। अपनी चॉइस की किसी भी मूवी का कोई भी एक सीन प्रेजेंट कर दो यहाँ पे। हाँ ये गैस करेंगे कि कौन सी मूवी है। ठीक है, आएगा मजा, आएगा आएगा ना। चलो भाई किसी भी मूवी का कोई भी सीन करो। छोटी बच्ची डायलॉग बोल दो। तो बैठ जा भाई, कर दे भाई। कोई भी मूवी कोई भी कर दे। छोटी बच्ची हो गया तो ठीक। अरे भाई जल्दी जल्दी करो, अगले बच्चे वेट कर रहे हैं। बच्ची बहुत है। नहीं नहीं कुछ और नहीं, वो लड़की भी स्किपिंग कर रही है यहाँ पे। सही बात, भाई लड़के ढिल्ले हैं लगता है इस बार जूनियर्स के, है ना है ना। चलो चलो, अरे फोटो भी ले ले यार। अरे भाई गलत बात है ये तो। कोई भी मूवी का सीन साहिल फोटो इधर से भी ले ले। पनिशमेंट करवाऊं? फोटो पनिशमेंट करवाऊं? पक्का? चलो भाई पुशअप मारो 50 बार। 50 बार हो जाएगा। 50 बार चल देखते हैं कितने मारेगा। बार पुशअप काउंट करो। 1 2 3 4 5 करेगा मतलब आएगा। आ जाओ, नहीं बनती कुछ नहीं बनता भाई। पनिशमेंट अच्छा किया। चलो 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 नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है। अपने अपने बैग देख लो। अरे ये तो गलत चूज कर गया। वापस आ, वापस आ आदित्य। गेम आया है इसके पास, गेम का नाम है आटा।
गेम, क्या नाम है? आटा गेम। आटा गेम, वो बात होती है ना कि मैं तो फंसूंगा अपने साथ औरों को जरूर लेके फंसूंगा, तो भाई इसने अपने साथ औरों को जरूर फंसाया है। इसके साथ है रोल नंबर 12 और 4, 12 और 4 आ जाओ। चले गए, चले गए, 4 आपका है, 12 आपका है, 12 4 का है, कुछ तो सोचना पड़ेगा इनके लिए। ऐसे जूनियर्स भाग रहे हैं ना, खाने की तरफ भाग रहे हैं क्या? मिलेगा, सबको मिलेगा भाई खाना, सबको मिलेगा। चलो फिर, अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, किसी के साथ करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा कोई खेलना चाहता है, अपने दोस्त का साथ देना चाहता है, अपने दोस्त का साथ कौन देना चाहता है यहाँ पे? अरे वातालिया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अच्छा इसमें करना क्या है मैं बता देती हूँ। हमारे पास एक प्लेट है और हमने उसमें आटा डाला हुआ है, आटे के अंदर हमने कॉइन रखा है और इन्हें बिना हाथ लगाए कुछ भी करे इन्हें आटे से कॉइन ढूंढना है। वो कैसे ढूंढना है ये इनका दिमाग है, बाकी मैं चलो आइडिया दे देती हूँ समय को देखते हुए। आपको मुंह से फूंक मार के आटे को हटाना है और उसमें से कॉइन ढूंढना है, ठीक है? ठीक है ना? चलो आओ बैठो। नहीं नहीं, सारे ही आटा उठाना तुमने आज। चलो चलो चलो, काउंट डाउन, 1 2 3 स्टार्ट। अरे अच्छे से कराएंगे वो लोगों को, कुछ अच्छा एक्ट्रेस भी हो सकती है, एक्टर भी होती है, कोई सीन कोई डायलॉग कुछ भी। वो 10 नंबर को उसको अच्छा कराना है कुछ। अच्छा ये ना एक और बात मैं बता देती हूँ कि अगर किसी बच्चे को कुछ ना आए, कोई नहीं करना चाह रहा, तो टीचर्स की हेल्प ले सकता है, ले सकता है ना, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? टीचर्स, किसी भी टीचर की आप हेल्प ले सकते हैं। अरे वाह, डायलॉग सुनाएगी। चलो भाई पहचानो कौन सी मूवी का डायलॉग है। शोभा सिर्फ लड़कियों को गाली क्यों देती है? शोभा सिर्फ लड़कियों को गाली क्यों देती है? क्योंकि गाली लड़कियों को शोभा नहीं देती। किसका डायलॉग है बताओ बताओ? अजय देवगन। शाबाश, वेरी गुड। चॉकलेट दो लड़की को, क्या ना चूज करो। जानो को चॉकलेट बनती है। चलो ठीक है, थैंक यू। ज्यादा गोरा हो गया, ब्राइटनेस आ गई। 19 नंबर 19 अंजलि, नंबर 19 अंजलि। We'll be right back.
आएगी, ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है, गाना बजवा दूं। साहिल I'm gonna go get some.
एक्चुअली पूछ रही थी पेस्ट्री किस लिए मंगवा रहे हो, आप पता चलेगा पेस्ट्री किस लिए मंगवा रहे हैं। तो हमारे पास क्या गेम है कि बिना हाथ यूज करे आपको पेस्ट्री खानी है विद इन कितने मिनट में, कितने टाइम रखे, 30 सेकंड, 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में आपको पेस्ट्री खानी है। बहुत है, 15 सेकंड है, नहीं एक ज्यादा उनके लिए, हाँ 2 सेकंड काफी है। चलो सेटअप कर देते हैं इसके लिए, तैयार है, चलो तालियां बजा दो। इसके मुंह में पानी आया कि ओ एक हाथ उठा अंजलि, ये सब आ गया, आ जाओ। टाइमर लगा दिया, हाँ सेट है, चल टाइमर लगाओ, टाइमर रुको रुको रुको, नहीं ठीक ठीक है ठीक है, वो पीछे ले जाओ पूरा ले जाओ, चलो तालियां बजा दो लड़की के लिए, इतनी तो मेहनत करी, इतना तो खाया, जाओ पेस्ट्री मिलगी वैसे इसको, है ना। टिंकू सोच रहा होगा मेरे को भी दे देते, आटा उड़वाई दिया था मेरे ऊपर। नो नाइन 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 तालियां नाइन के लिए। लेट आए सर, आपका वीडियो तो लेना पड़ेगा। आपको 2 मिनट में 10 बैलून ब्लास्ट करने हैं। ना ये थोड़ा ना होगा, ऐसे 1 मिनट के अंदर 10 बैलून ब्लास्ट करने हैं। कैसे करने हैं? बैठ के। अब सबको बताओ किसके बम में है दम? ये फोड़ना पड़ेगा। नहीं 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 ना 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 फोड़ना पड़ेगा, चॉकलेट लेंगे, बैलून ला दे, तालियां बजाओ। अरे भाई ये तो नेल सच कर देगी, थोड़ी सी तो चीटिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए, टीचर बैठे हैं, शर्म करो, चीटिंग करो भाई। ठीक है टाइमर है, यहाँ चलेगा टाइमर है, चलो 1 2 3 स्टार्ट। अरे अरे टाइम तो हो गया, ये बात तो कर रहा था।
मिनट तो ज्यादा हो गई। दोनों के लिए पूरा दिन पूरी रात बैठ बैठ के इन्होंने तुम्हारे लिए ये प्रोग्राम बनाए थे, गेम्स करे थे, और सब प्रोग्राम नहीं बनाए, डेकोरेशन का। हाँ, ये डेकोरेशन भी करी थी। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी, हम ये कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। इसी तालियों के जोश के साथ में बुलाना चाहूंगी स्वाति को कि वे आए अपनी आवाज से इस मंच को और रंगीन कर दे। स्वाति, जाओ स्वाति, जल्दी जेड़ा साड़ी। भाई स्वाति के दोस्तों से मोटिवेट करो, भेजो सौरभ जी कोई ऐसा सोना पल बन गए कोई नहीं, सुना दे फिर से। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है, तूने सबको ही दे दिया। मेरी बियाहों को सुन के दुआओं को मुझको वो दिला, मैंने जिसको है दिल दिया। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है, तूने जिसको है दे दिया। अच्छा प्रोग्राम है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है अदिति पांडे, मैं बीएससी बीएड फ्रेशी। भाई एक्साइटमेंट तो होती है कॉलेज आने से पहले, बहुत एक्साइटमेंट होती है, सबको होती है। गिव मी नॉइस, जिस चीज का एक्साइटमेंट थी कि सदा मस्ती। हां भाई, यहां क्या हमें क्या मिला है? फाटक बंद आते टाइम, फाटक बंद आते टाइम, फाटक बंद, वहां बस के धक्के खाओ और फिर वहां से फिर रूम पे आ जाओ। नहीं है ये रूम, उस पर बस से जाते हैं तो पूरी एक्सरसाइज आती, पूरा जुम्बा हो जाते, जुम्बा। और फिर मिले हमें सीनियर्स, सीनियर्स तो क्या ही मिले, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ही मिल गए। चीयर्स टू फ्रेंड्स, चीयर्स टू सीनियर्स। तो भाई वैसे तो हमारे सीनियर्स बॉलीवुड एक्टर्स से कम तो नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। हाँ बॉलीवुड एक्टर्स ही है, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर बॉलीवुड एक्टर्स हमारे सीनियर्स होते, जस्ट इमेजिन। आप कॉरिडोर में जा रहे हो, मिले सुनील शेट्टी सर, ओए किधर जा रहा है, और फिर बोले क्या बोले वो,
नाम पता है मेरा? नहीं पता है? नाम पता है मेरा? नहीं पता है? गाइस मैं भी भूल गई। चल दूसरा एक्टर देख लेते हैं। सुनील शेट्टी नहीं है हमारे कॉलेज में, एसआरके मिल गए। चलो बोले वो डाउट्स बहुत क्लियर करते हैं, वो अलग बात है लड़कियों के डाउट्स क्लियर करते हैं। तो वो आके कहते हैं पूछ लो ना। लेकिन वो है ना फेल हो गए थे फिजिक्स में। क्यों फेल हो गए थे पता है? क्योंकि उनसे पूछा गया डायग्राम क्या पोजीशन पूछी गई। पोजीशन फिजिक्स में ही होती है, तो पूछी गई। तो वो उनको उन्होंने दे की पोजीशन पता है, आगे खड़े हो गए और करते हैं ए सेनोरिटा सर बन गए सनी देओल। सर कहते हैं के ओए चला जा यहां से वरना तेरे को जीरो नंबर दे दूंगा, सर भी फोड़ दूंगा। और अब ऐसे मैं भी जा रही हूँ, मेरे को भी डर लग रहा है। जोरदार तालियां हो जाए अदिति के लिए। थैंक यू टू सीनियर्स एंड थैंक यू माय फ्रेंड मुस्कान, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। फ्रेशर्स है तो क्या हुआ, अनजान थोड़ी है। फ्रेशर्स है तो क्या हुआ, अनजान थोड़ी है। आज हमारे टैलेंट को ही आजमा के देख लो, हम अनजान थोड़ी हैं। और इसी के साथ पार्टी में अपना टैलेंट आजमाने आ रही है साक्षी तोमर अपनी स्पीच के साथ। साथ में लेके सेक्सी बियर पार्टी चलेगी सारी रात। बता दे। हाँ हाँ बताओ। अच्छा अंजलि को बुलाओ, अंजलि काफी देर से पूछ रही है। मैं तो कहा अंजलि से जूलॉजी या बॉटनी का पूछ लो। चलो आगे बढ़ते हैं, सर को बुला लेते बॉटनी वाले। ये पहले सीनियर थे, ये तो जूनियर का अपोजिशन कर रहे हैं। वैसे सीनियर रैंकिंग के लिए बड़े पॉपुलर है, लेकिन यहाँ तो सीनियर से जूनियर्स को बचा रहे हैं। बड़े अच्छे सीनियर्स मिले आप लोगों को अभी। और
दिखानी है, बड़े फैशन सेंस मार के आते हैं ना कपड़े डाल डुल के, है ना, थोड़ा सा देख ले रैम्बो, इतने महंगे महंगे कपड़े पहने हैं, करवा ले रैम्बो, करा ले, भाई बढ़िया से करेंगे तो चॉकलेट भी मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल फुल मॉडल वाली, फुल मॉडल वाली फैशन ले जाओ। करण खुश हो जाएगा, भोजपुरी डांस करवाओ भाई इससे, मजा आ जाएगा। राजी सब ठीक है ना, बढ़िया, अब ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। शंकर 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 मर्दों वाली बात, तू पीएंगे बियर पियर साथ में लेके सेक्सी बियर पार्टी चलेगी सारी रात। अरे क्या तो करण देखा, करण 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 ज्यादा है, उत्तर कम है, सवाल ज्यादा है।
ज्यादा है। राशि और मेघा को वो फिर से आए मंच पे। कुछ भी कर दे, कुछ भी स्टेप करो, खुद गा लो, खुद गिद्दा पालो, गिद्दा पालो। अभी अभी राशि से हरियाणवी गाने पे डांस सीखा है, थोड़ा बहुत वही ट्राई करती हूँ, बाकी मैंने कभी गाने सुने भी नहीं। क्या बात है, मुझे बाल है, तूने तो पूरे करवा लिए। गाना लगा दे, ट्राई तो करने दो, ऑडियंस का फुल सपोर्ट होना चाहिए, देखो क्लैपिंग का, तभी ये लोग यहाँ कर पाएंगे। स्काउट क्लैप करेंगे सभी, स्काउट क्लैप, स्काउट क्लैप कर दो सब।
अच्छा पंजाबी बोली बुलवा लेते हैं ऐसे। आती है पंजाबी बोली? नहीं आती। पंजाबी डांस कर लो। तो पंजाबी डांस कर लो, भांगड़ा कर लो। चलो इसको थोड़ी वो दे देते हैं भाई, जो आप करना चाहते हो कुछ भी, कुछ भी कर सकते हो। कोई एक्टिंग, मिमिक्री, कोई सीन, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, गाना गाना चाहते हो, कुछ भी देख लो। इतने अच्छे हैं तुम्हारे सीनियर, तुम भी इतने अच्छे बनकर है ना। डोरेमोन का गाना, डोरेमोन का गाना, डोरेमोन का गाना। जिंदगी सवार तू एक नई बहार तू, दुनिया ही बदल दू मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ू या हेलीकॉप्टर, आहा मैं हूँ एक उड़ता रोबो डोरेमोन। चलो भैया तो सबको पास में ले गए। इधर आ जाओ, एक मेरी पारी तो है कब से। कहाँ जा रहे हो भाई? सभी टीचर से अनुरोध है वो यहीं रहे, उनके बाद उनका गेम भी होगा इसलिए। नहीं होगा सर, डोंट वरी। अच्छा इसके लिए आया है फ्रीज डांस, ये भी अपने साथ दो चारों को फंसाएगी। बुला लूं उनको जिस जिसको इसने फंसाया है। नंबर 20, नंबर 20, नंबर 5। सबको क्या होता है फ्रीज डांस? इसमें क्या होगा कि हम सॉन्ग प्ले करेंगे और जब तक सॉन्ग बजेगा इनको डांस करना है। अब वो मेरी मर्जी, मैं कभी भी रोक सकती हूँ, और जब मैंने रोका तो इनको रुकना पड़ेगा। जो नहीं रुका वो आउट, वो तो लास्ट तक बच गया उसकी चॉकलेट। ठीक है उसकी।
अपर्णा मैम, रेणु मैम, बाबूराम सर, जयदेव सर, रामगोपाल सर, राजेंद्र सर, कृष्ण सर, अजमेर सर, प्लीज सर स्टेज पे आ जाइए। सुमन मैम, सुनीला मैम, संजीव सर, रामगोपाल सर, जयदेव सर, रामगोपाल सर, राजेंद्र सर, अजमेर सर, संदीप सर कहाँ चले गए? इसमें आपको एक पैटर्न में चलना है, सभी को एक पैटर्न में चलना है, जैसे म्यूजिक रुकेगा आपको बैठ जाना है। Everyone request to clap your hands, please show for them, okay? Clapping me, Rupi Ji. Come on, boys! Vinesa, request them to come on, sir. Vinesa, Vinesa, come on, sir. Vinesa, come, sir. Without your presence, this game is, you know. एक बच्ची है सर। सर और एक चेयर लगा हुआ है, एक और चेयर हटा दो, दो हट गया। Your audience, what are you doing? Ram Gopal sir, pure form me. Ram Gopal sir, leading by 5 points, you know. Reed sir kahan hai? I think chocolate wahi leke jayenge aaj. Second round bhi aayega ab to madam aa gaye. Second round ke liye ma'am aa gayi hain. Seventh ka kaam hai. Ma'am second round zarur hoga. Add karo abhi, add karo. Abhi add kar dete hain apan. ओके एक चेयर और है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम को भी ऐड कर दो। हां मैम, मैम सुमन मैम को, सुनीला मैम को भी ऐड कर दो। राम गोपाल सर फॉर फोकस ऑन द चेयर, प्लीज फोकस ऑन राम गोपाल सर। सर और चेयर ले रही है, रह रही है सर। अरे मैं कह रही हूँ राम गोपाल सर फॉर्म में, राम गोपाल सर फॉर्म में, उनको चेयर नहीं दिखा। ये तो इंटरटेन, ये इंटरटेनिंग गेम था, ये तो बोनस पॉइंट आ गया। चेयर हटाओ। ओके कपिल इधर आ, कपिल हाँ। राम गोपाल से
सभी पे रखते सभी सभी कुर्सी अटैक चेयर फाइनल क्या है सर सर फुल फोकस ऑन चेयर चलना भी है सर आगे भी चल रहा है फाइनली राम गोपाल सर इज आउट ऑफ द गेम बट वेल ट्राइड सर लगता है प्रिंसिपल मैम जीतेंगी प्रिंसिपल पॉइंट्स मैम आप जीतने वाले हैं थोड़ा सा कोशिश करते हैं एक कुर्सी हटा लिया जाए फाइनल राउंड फाइनल जितने वाले को दो चॉकलेट मिलेगा मैम चॉकलेट आप पहन दो कुछ और भी है क्या स्टार्ट किया चलो देखते हैं किसमें कितना है दम लेट्स सी ऑल द बेस्ट टू मैम एंड सर थोड़ा देर गाना बजेगा मॉर्निंग वॉक हो रहा है यहाँ पे आप जीत गए आप जीत गए मैम अच्छा सर जीत गए चॉकलेट दोनों को मिलेगा वैसे फर्स्ट सेकंड को चॉकलेट हाँ लेके गैंगवार को दे दीजिएगा इजंट इट जूनियर्स को यही प्रोग्राम लंबा नहीं हो जाए फिर क्या होगा अरे कुछ तो बहुत धमाकेदार करने वाला है कल मेरे को फोन करता है मेरा डांस सबसे लास्ट में रखना मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूँ वहाँ पीछे से जो उड़ीसा से आए हुए हमारे ऋतिक रंजन महांता प्लीज आए और बिहार से आए हुए गया से जो है विवेकानंद आशीष भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज और हरियाणा से आए हुए हमारे साहिल माथुर वो भी स्टेज पे चले आए अभी आ जाओ और से है ग्रेडी से अनुष्का शर्मा वो भी स्टेज पे चले आए आ जाओ ब्रिलियंट गन और कैथल से हमारे कपिल साहब कपिल भाई वो भी
अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दे हम। केशव नाचेगा क्या? ये केशव है। कौन है केशव? डांस करेगा? हाँ डांस करेगा। भोजपुरी गाना भी नहीं करेगा? हाँ भोजपुरी बजेगा। जैकेट तो लेते आते क्या समझ कर आए के सरदार बहुत खुश होगा सबासी देगा क्यों है।
अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000 सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये तीन हराम जाने, ये गब्बर सिंह का नाम मिट्टी में मिला दे, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसका? कितनी गोली है? 6,000। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इसके तीन खानों में गोली है, तीन खाली। अब हम इसको घुमाएंगे। अब कहाँ गोली है कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में तीन जिंदगी तीन मौत बंद है, देखे किसे क्या मिलता है। विवेक बच जाएगा भाई। बच गया, बच गया साला। हंसता क्या, डरो? ये भी बच गया, खड़े रहो। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। कमाल हो गया, तीनों के तीनों बच गए। तीनों बच गए, ये तीनों हराम जादे हो गए। अरे बस ओ, गोली भी मार ओ। रेसर्स के लिए अच्छा, Production in the mix.
वेल डन शंकर ब्रो वेल डन। कौन रेडी नहीं है? रेडी नहीं है, करना पड़ेगा फिर भी। अरे लाइन तो बनाओ। फिर से आओ नहीं हुआ। That's right. I'm not afraid to die.
कंटिन्यू करवाओ ना गाना, मैं गाना रिपीट कर। गाना बजा दीजिए थोड़ा हार्ड सा, भोजपुरी बजा दो। हरियाणी जाएगा कि कौन है मिस्टर फ्रेशर मिस फ्रेशर, ठीक है? काफी सस्पेंसफुल है। ज्योति, ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ज्योति। राहुल, राहुल तमन्ना एंड अचल, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए एक बार। क्या हुआ, ये तो स्टार्टिंग है सिर्फ, ये तो अभी का है। आपको आगे अनुष्का क्वेश्चन, अभी दो मिनट आपको मिलेंगे भी उसके आंसर को सोचने के लिए, राइट? तो क्वेश्चन मिस प्रीवियस बनते हैं, तो आप उसके लिए हम लोग के लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे लाइन वाइज ले लेंगे ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम तमन्ना मेहरा, आई एम फ्रॉम उमरी कुरुक्षेत्र, आई एम स्टडिंग इन बी ए बी एड फर्स्ट ईयर। Why do you think you deserve this title? Do you deserve this title? How can you deserve this title? आपने इसको explain करना There is no need to say in English, just जिसमें आप comfortable हो आप उसमें इसका answer दे सकते हो। It's just a personality test। हाँ, कम तमन्ना बोलो, बोलो तमन्ना, नहीं बोलना, हाँ नहीं बोलना, ठीक है बेटा, नहीं बोलना, आगे दे दो, आगे दे दो, सबने ये क्वेश्चन है। आई एम ज्योति फ्रॉम कैथल, माइक ऑफ
इस टाइटल के लिए मैं इसलिए रेडी हूँ कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है जो चाहिए एंकरिंग के लिए, या जो भी मैनेजमेंट है उसके लिए जो भी कॉन्फिडेंस है, या जो कमियां हैं उनको मैं पूरा करना चाहती हूँ। चाहूंगी अगर मुझे ये मौका मिले तो जोरदार ताली हो जाए ज्योति के लिए। और जो भी मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत ज्यादा अच्छा किया, थैंक यू फॉर ऑल। बट इससे भी अच्छा अगर मुझे ये मिले तो मैं और भी अच्छा करना चाहूंगी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, आई एम निकिता फ्रॉम उत्तराखंड नैनीताल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस मैनेजमेंट एंड दिस फ्रेशर्स पार्टी। आई डू डिजर्व दिस टाइटल ऑफ मिस फ्रेशर बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी आई हैड दैट कॉन्फिडेंस टू पुट माई टैलेंट फॉरवर्ड एंड आई वुड लीड माई जूनियर्स एज वेल। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, आई एम आचल फ्रॉम कुरुक्षेत्र उमरी। थैंक यू टीचर्स को मेरे को इसके लिए चुना। मेरे फ्रेशर्स ने इसके लिए मेरे को मुझे चुनने के लिए इसमें अगर मेरे को मौका मिले तो मेरा कॉन्फिडेंस भी अप होगा। थैंक यू। I am Tinku Sharma from Kumoda. कोई नहीं, थैंक यू। मैम जो मुझे कॉन्फिडेंस है मैं वो अगले उसमें परफॉर्म करना चाहूँगा। जो मेरे में कमियाँ हैं मैं उनको भी रिप्लाई करना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल है, मैं बीएससी बीएड का स्टूडेंट हूँ और मजाक बहुत अच्छा कर लेता हूँ। बस बहुत आफ्टरनून टीचर्स, माय सेल्फ फ्रॉम कॉम जींद। मैं पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आपने मिस्टर प्रेसेस के लिए चुना। मैं उसके डिजर्व इसलिए करता हूँ क्योंकि मांडवी डांस है कि मैं माइक से दूर हूँ और भी फेस्टिवल और आगे भी परफॉर्म करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टरनून टू एवरीवन, thank you Hujuri members to nominate me. I think I deserve this because I was honest with my performance, what I didn't know I can do, so I have honestly told I can do that and that's all. I think I should deserve this. Thank you. Main Prince Sanjay se anurodh karna chahungi ki wo inko judge kare और इनमें से द बेस्ट फ्रेशर एंड मिस्टर एंड मिसेस मिस फ्रेशर्स निकाले। यस मैम। फॉर मिस फ्रेशर निकिता। मिस्टर फ्रेशर आलोक। जोरदार ताली हो जाए इन दोनों के लिए। Thank you.
Hustle man, the arrows, hurry, body, no, blah, grah. Hustle man.